एमपी में कमलनाथ और शिवराज में किसकी होगी ताजपोशी, उलझाने वाले सर्वे रिपोर्ट। जी हाँ दोस्तों, मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में 230 सीटें हैं। किसी भी दल को सरकार बनाने के लिए 116 सीटों की जरूरत पड़ती है। प्रदेश में कुछ ही महीनों का वक्त बचा है विधानसभा चुनाव के, उससे पहले दोनों दल चुनावी तैयारियों में जुट गए हैं। बीजेपी और कांग्रेस के अलावा आम आदमी पार्टी भी अपना दमखम झोंक रही है। कांग्रेस और बीजेपी दावा कर रही है कि हम सत्ता में वापसी कर रहे हैं, तो वहीं अरविंद केजरीवाल तीसरा विकल्प के तौर पर कह रहे हैं कि हम सरकार बना रहे हैं एमपी में, यानी कि मध्य प्रदेश में। सर्वे रिपोर्ट आ गई है। इस रिपोर्ट के अनुसार मध्य प्रदेश में 2018 की तरह कांटे की टक्कर देखने को मिलेगी। इस बार किसे कितनी सीट मिलेगी, कौन सी पार्टी मारेगी बाजी, तो दोस्तों आप इस वीडियो को अंत तक देखिए, जिससे आपको पता चल जाएगा कि साल 2023 के अंत में होने वाले मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में किस पार्टी को सबसे ज्यादा सीट और कौन मारने जा रहा है बाजी। क्या कमलनाथ सीएम की ताजपोशी होगी या फिर शिवराज सिंह चौहान यहां पर अपना दमखम दिखाएंगे। वहीं सर्वे की रिपोर्ट यह साफ हो गया है कि मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में इस बार कांटे की टक्कर होने वाली है। अगर किसी भी दल को पूर्ण बहुमत नहीं मिलता है तो वह सीटों का अंतर बहुत ज्यादा नहीं होगा। हालांकि बीजेपी प्रदेश में 200 सीट जीतने का दावा कर रही है। सरकार बनाने के लिए मध्य प्रदेश में अगर कम सीटों की जरूरत पड़ती है तो 2020 की तरह जोड़ तोड़ का खेल हो सकता है। साथ ही बीएसपी और अन्य के हाथों में सत्ता की चाबी आ सकती है। जी हाँ दोस्तों, आप कौन से जिले या कौन से राज्य से हैं हमें कमेंट करके जरूर बताएगा। और मध्य प्रदेश में आने वाले विधानसभा चुनाव यानी कि 2023 में किसकी बनने जा रही है सरकार, कौन मारेगा बाजी, आप हमें कमेंट करके अवश्य बताएगा। दोस्तों यहाँ पर बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश के यानी कि संभागों वाइज सभी 230 विधानसभा सीट के ओपिनियन पोल के बारे में। चंबल की 13 विधानसभा क्षेत्र आते हैं, यानी कि 13 विधानसभा सीट हैं। 13 विधानसभा सीटों में से भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी का तमें 5 सीटें और कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर अच्छी खासी लीड के साथ 7 विधानसभा सीटें मिल रही हैं। अन्य पार्टी को यहाँ पर 1 विधानसभा सीट पर जीत हासिल होने की संभावनाएं सताई जा रही है। बात कर ली जाए ग्वालियर की। ग्वालियर में यानी कि ग्वालियर संभाग के 21 विधानसभा क्षेत्र आते हैं। 21 विधानसभा क्षेत्रों में से यहाँ पर बीजेपी का तमें 10 विधानसभा सीट और 11 विधानसभा सीट के साथ कांग्रेस पार्टी पर अच्छी खासी लीड कर रही है। आम आदमी पार्टी के संयोजन अरविंद केजरीवाल को 0 और अन्य पार्टी का तमिया पर 0-0 सीट जाने की संभावनाएं दिखाई जा रही है। जी हाँ दोस्तों, मध्य प्रदेश की अभी तक 34 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको दिखा रहे हैं। तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी के शिवराज सिंह चौहान 15 सीटों पर लीड मार रहे हैं, तो 18 सीटों के साथ कमलनाथ यानी कि कांग्रेस पार्टी से लीड मार रहे हैं। आम आदमी पार्टी के संयोजन अरविंद केजरीवाल का अभी तक खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अन्य पार्टी घट में 1 सीट जाने की संभावना सताई जा रही है। चलिए दोस्तों यहाँ पर बात कर लेते हैं सागर संभाग की। सागर में 26 विधानसभा क्षेत्र आते हैं, यानी कि 26 सीटें आती हैं सागर में। 26 में से यहाँ पर 16 विधानसभा सीट के साथ भारतीय जनता पार्टी अच्छी खासी लीड के साथ अपना वर्चस्व निभा रही है, तो कांग्रेस पार्टी भी यहाँ पर अच्छी खासी लीड के साथ 10 विधानसभा सीट अपने खाते में कर पा रही है। आम आदमी पार्टी के संयोजन अरविंद केजरीवाल को 0 सीट और अन्य पार्टी का यहाँ पर 0-0 सीट जाने की संभावनाएं बिल्कुल बनी हुई दिखाई जा रही है। दोस्तों मध्य प्रदेश की 230 में से अब तक 60 विधानसभा क्षेत्रों यानी कि 60 विधानसभा सीटों का ओपिनियन पोल यानी कि जनता के राय के समक्ष रख रहे हैं। इसलिए ऐसे देखा जाए तो यहां पर 30 विधानसभा सीट के साथ भारतीय जनता पार्टी के शिवराज सिंह चौहान यहां पर अच्छी खासी लीड मार रहे हैं, तो वहीं कमलनाथ यहां पर 28 विधानसभा सीट के साथ सेकंड लार्जेस्ट पार्टी यानी कि कभी भारतीय जनता पार्टी आगे रहती है तो कभी कमलनाथ यानी कि कांग्रेस पार्टी यहां पर आगे रहती है। यानी कि कांग्रेस और भाजपा के बीच काफी ज्यादा कांटे की टक्कर दिखाई दे रही है और आम आदमी पार्टी यहाँ पर क्या निभाएगी अपना वर्चस्व, तो आम आदमी पार्टी के संयोजन अरविंद केजरीवाल 0 पर अन्य पार्टी का तो यहाँ पर 1 विधानसभा सीट जा सकती है। चलिए दोस्तों यहाँ पर बात कर लेते हैं रीवा। रीवा की 22 विधानसभा सीट आती है। 22 विधानसभा सीट में से यहाँ पर 12 विधानसभा सीट के साथ भारतीय जनता पार्टी अच्छी खासी लीड गवा रही है, तो वहीं कांग्रेस पार्टी भी यहाँ पर 10 विधानसभा सीट के साथ अपना खाते में ला पा रही है।
आम आदमी पार्टी के संयोजन अरविंद केजरीवाल के खाते में 0 सीट और अन्य पार्टी खाते में यहाँ पर अभी तक खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। दोस्तों यहाँ पर मध्य प्रदेश की 230 में से 82 यानी कि 82 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको दिखा रहे हैं। तो यहाँ पर 43 विधानसभा सीट के साथ भारतीय जनता पार्टी के शिवराज सिंह चौहान, तो वही 38 विधानसभा सीट के साथ कमलनाथ यहाँ पर अच्छी खासी लीड में रहे, यानी कि कांग्रेस पार्टी को 38 विधानसभा सीट के साथ सेकंड लार्जेस्ट पार्टी बन रहे हैं। आम आदमी पार्टी के संयोजन अरविंद केजरीवाल के खाते में 0 और अन्य पार्टी खाते में यहाँ पर 1 विधानसभा सीट जाने की संभावनाएं दिखाई जा रही है। यहाँ पर बात कर लेते हैं शहडोल जिले यानी कि शहडोल संभाग की 8 विधानसभा क्षेत्र आते हैं। 8 विधानसभा क्षेत्रों में से किसे कितनी सीट मिलेगी, तो देख रहे हैं आपकी स्क्रीन पर शहडोल संभाग की 8 में से 5 विधानसभा सीट के साथ भारतीय जनता पार्टी, तो 3 विधानसभा सीट के साथ कांग्रेस पार्टी, आम आदमी पार्टी खाते में 0 और अन्य पार्टी खाते में यहाँ पर 0-0 सीट जाने की संभावनाएं दिखाई जा रही है। बाकी बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश की 230 विधानसभा सीट में से अब तक जनता की राय के अनुसार देखा जाए तो 90 विधानसभा सीट में से किसे कितनी सीट मिलेगी, तो देख रहे हैं आपकी स्क्रीन पर भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी खाते में 48 यानी कि 48 सीट के साथ अच्छी खासी लीड मार रहे हैं शिवराज सिंह चौहान, तो वहीं कांग्रेस पार्टी के कमलनाथ यहां पर 41 सीट के साथ यानी कि मात्र 7 सीट से पीछे यानी कि 7 विधानसभा सीट से पीछे चल रहे हैं कमलनाथ यहां पर, यानी कि कह सकते हैं मध्य प्रदेश में इस बार काफी ज्यादा कांटे की टक्कर देखने को मिलेगी और अन्य पार्टी खाते में 1 विधानसभा सीट जाने की संभावनाएं दिखाई जा रही है। चलिए दोस्तों यहाँ पर बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश के अगले संभाग की, तो यहाँ पर जबलपुर संभाग आता है। जबलपुर संभाग में 38 विधानसभा क्षेत्र आते हैं। 38 विधानसभा क्षेत्रों में से भारतीय जनता पार्टी को कितनी मिलेगी, तो देख रहे हैं आपकी स्क्रीन पर 15 विधानसभा सीट के साथ भारतीय जनता पार्टी अपनी अच्छी खासी लीड मार रही है। कांग्रेस पार्टी पर 23 विधानसभा सीट के साथ आम आदमी पार्टी के संयोजन अरविंद केजरीवाल का अभी तक खाता खुलता हुआ किसी भी संभाग में दिखाई नहीं जा रहा है, तो अन्य पार्टी का तो यहाँ पर 0-0 सीट जाने की संभावनाएं दिखाई जा रही है। दोस्तों यहाँ पर बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश की 230 में से 128 सीट का ओपिनियन पोल आपको दिखा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, एक बार फिर से सुन लीजिए, मध्य प्रदेश की 230 में से 128 विधानसभा सीट का अब तक ओपिनियन पोल आपको दिखाया जा रहा है। तो इस लिहाज से देखा जाए तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी यानी कि शिवराज सिंह चौहान के खाते में यहाँ पर 63 विधानसभा सीट के साथ अच्छी खासी लीड मार रहे हैं, तो यहाँ पर शिवराज सिंह चौहान को टक्कर देते हुए कांग्रेस पार्टी के नेता कमलनाथ भी अपने अच्छी खासी लीड के साथ मात्र 1 सीट से आगे यानी कि 64 यानी कि 64 विधानसभा सीट के साथ अपना वर्चस्व निभा रहे हैं, यानी कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी के बीच मध्य प्रदेश में इस बार काफी ज्यादा कांटे का मुकाबला देखा जा सकता है। इस बार काफी ज्यादा जद्दोजहद करनी पड़ेगी दोनों ही पार्टियों को, यानी कि शिवराज सिंह चौहान और कमलनाथ के बीच काफी ज्यादा असमंजस और कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है मध्य प्रदेश के चुनाव में। तो ही दोस्तों यहाँ बात करता है नर्मदापुरम की। नर्मदापुरम संभाग की 11 विधानसभा क्षेत्र आते हैं। 11 विधानसभा क्षेत्रों में से 9 विधानसभा क्षेत्रों पर भारतीय जनता पार्टी ने बीजेपी, तो ही कांग्रेस पार्टी के यहाँ पर काफी नर्वनेस और काफी कम सीट मिल सकती है, मात्र 2 सीट आम आदमी पार्टी के संयोजन अरविंद केजरीवाल का 1 भी सीट पर पकड़ मजबूत होती हुई दिखाई नहीं दे रही है। अन्य पार्टी खाते में भी यहाँ पर 0-0 सीट का सामना करना पड़ेगा। दोस्तों यहाँ पर बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश के 230 विधानसभा सीट में से 139 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको दिखा रहे हैं। तो यहाँ पर शिवराज सिंह चौहान यानी कि भारतीय जनता पार्टी के खाते में 72 यानी कि 72 विधानसभा सीट जा सकती है। कांग्रेस पार्टी खाते में 66 यानी कि 67 सीटें जा सकती है। अन्य पार्टी खाते में यहाँ पर 1 विधानसभा सीट जाने की संभावनाएं दिखाई जा रही है। जी हाँ दोस्तों, राजधानी भोपाल संभाग की 25 विधानसभा सीट है। 25 विधानसभा क्षेत्रों में से यानी कि किसे कितनी सीट मिलेगी, 17 विधानसभा सीट के साथ भोपाल के संभाग में भारतीय जनता पार्टी अपना वर्चस्व निभा सकती है। कांग्रेस पार्टी यहां पर 8 विधानसभा सीट पर ही जीत सकती है। अन्य पार्टी यानी कि आम आदमी पार्टी और अन्य पार्टी को यहाँ पर 0-0 सीट का सामना करना पड़ेगा। मध्य प्रदेश की 230 में से 164 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको दिखा रहे हैं। तो यहाँ पर 89 सीट के साथ शिवराज सिंह चौहान, 74 सीट के साथ कमलनाथ और अन्य पार्टी का तो यहाँ पर 1 सीट जाने की संभावनाएं दिखाई जा रही है। बात कर लेते हैं उज्जैन जिले की। 29 विधानसभा सीट है। 29 में से 19 विधानसभा सीट के साथ भारतीय
जनता पार्टी के खाते में जा सकती है 19 विधानसभा सीट, कांग्रेस पार्टी के खाते में यहाँ पर 10 विधानसभा सीट जाने की संभावना अच्छी खासी दिखाई जा रही है। अन्य पार्टी खाते में यहाँ पर आम आदमी पार्टी और अन्य पार्टी को यहाँ पर 0-0 सीट। दोस्तों मध्य प्रदेश की 230 सीटों में से 193 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको दिखा रहे हैं। इस लिहाज से देखा जाए तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी खाते में 108 सीट के साथ अच्छी खासी लीड मिल पा रही है और कांग्रेस पीआरटी यहाँ पर 64 विधानसभा सीट और अन्य पार्टी खाते में एक सीट जाने की संभावनाएं दिखाई जा रही है। भारतीय जनता पार्टी यानी कि शिवराज सिंह जनता पार्टी के खाते में 72 यानी कि 72 विधानसभा सीट जा सकती है, कांग्रेस पार्टी खाते में 66 यानी कि 67 सीटें जा सकती है, अन्य पार्टी खाते में यहाँ पर एक विधानसभा सीट जाने की संभावनाएं दिखाई जा रही है। जी हाँ दोस्तों, राजधानी भोपाल संभाग की 25 विधानसभा सीट है, 25 विधानसभा क्षेत्रों में से यानी कि किसे कितनी सीट मिलेगी, 17 विधानसभा सीट के साथ भोपाल के संभाग में भारतीय जनता पार्टी अपना वर्चस्व निभा सकती है, कांग्रेस पार्टी यहाँ पर 8 विधानसभा सीट पर ही जीत सकती है, अन्य पार्टी यानी कि आम आदमी पार्टी और अन्य पार्टी को यहाँ पर 0-0 सीट का सामना करना पड़ेगा। मध्य प्रदेश की 230 में से 164 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको दिखा रहे हैं तो यहाँ पर 89 सीट के साथ शिवराज सिंह चौहान, 74 सीट के साथ कमलनाथ और अन्य पार्टी का तो यहाँ पर एक सीट जाने की संभावनाएं दिखाई जा रही है। बात कर लेते हैं उज्जैन जिले की, 29 विधानसभा सीट है, 29 में से 19 विधानसभा सीट के साथ भारतीय जनता पार्टी के खाते में जा सकती है 19 विधानसभा सीट, कांग्रेस पार्टी के खाते में यहाँ पर 10 विधानसभा सीट जाने की संभावना अच्छी खासी दिखाई जा रही है, अन्य पार्टी खाते में यहाँ पर आम आदमी पार्टी और अन्य पार्टी को यहाँ पर 0-0 सीट। दोस्तों मध्य प्रदेश की 230 सीटों में से 193 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको दिखा रहे हैं। इस लिहाज से देखा जाए तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी खाते में 108 सीट के साथ अच्छी खासी लीड मिल पा रही है और कांग्रेस पीआरटी यहाँ पर 64 विधानसभा सीट और अन्य पार्टी का एक सीट जाने की संभावनाएं दिखाई जा रही है। भारतीय जनता पार्टी लेकिन शिवराज सिंह चौहान के खाते में 108 सीट, 84 विधानसभा सीट के साथ कमलनाथ यहां पर काफी पीछे छोड़ रहे हैं अभी तक शिवराज सिंह चौहान। दोस्तों यहाँ पर बात कर लेते हैं इंदौर की, इंदौर में 37 विधानसभा क्षेत्र आते हैं, 37 विधानसभा क्षेत्रों में से किसे कितनी सीट मिलेगी, कौन सी पार्टी यहाँ पर बाजी मारने वाली है तो देख रहे हैं आपकी स्क्रीन पर है। 37 विधानसभा सीटों में से 18 विधानसभा सीट के साथ भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस पार्टी खाते में 19 विधानसभा क्षेत्र आते हैं और आम आदमी पार्टी के संयोजन अरविंद केजरीवाल के खाते में 0 और अन्य पार्टी खाते में यहाँ पर 0-0 सीट जाने की संभावनाएं दिखाई जा रही है। मध्य प्रदेश की 230 विधानसभा सीट में से भी 230 विधानसभा का ओपिनियन पोल आपको दिखा रहे हैं, यहाँ पर शिवराज सिंह चौहान की अच्छी खासी लीड के साथ फिर से सरकार बन सकती है मजबूती के साथ और काफी ज्यादा यानी कि 126 सीट के साथ अपना वर्चस्व निभा रहे हैं शिवराज सिंह चौहान। तो कमलनाथ यानी कि कांग्रेस पार्टी के लीडर कमलनाथ को यहाँ पर 103 सीट के साथ अच्छी खासी लीड मिल रही है, यानी कि भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर फिर से सरकार बना सकती है और कमलनाथ यहाँ पर 103 सीट के साथ और अन्य पार्टी यहाँ पर मात्र एक सीट मिलने की संभावनाएं दिखाई जा रही है। आम आदमी पार्टी के संयोजन अरविंद केजरीवाल को एक भी सीट मिलने की संभावनाएं दिखाई नहीं जा रही है। उम्मीद है जानकारी अपडेट आपको मिल गई होगी। प्लीज दोस्तों अपने वीडियो नीचे का लाल बटन दिया उस पर क्लिक किए, चैनल को भी सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, जय किसान, वंदे मातरम, जय श्री राम।